नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबल लि अम्रिल मोमिन इन अम्रहु कुल्लहु लहु खैर इन असाबतहु सर्राउ शकर फकान खैरल्ला व इन असाबतहु ज़र्राउ सबर फकान खैरल्ला व लैस ज़ालिका इल्ला लिल मोमिन। फरमाया अल्लाह की नज़र में मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है। अगर इसको नेमत मिलती है तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती है, शुक्र अदा करता है, ये नेमत और बड़ी नेमत बन जाती है, मज़ा भी आएगा और सवाब भी लिखा जाएगा, यानी आखिरत में भी तरबूज खाने को मिलेंगे फिर, सही है ना, और मजा भी आएगा और शुक्र भी। और फरमाया अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये सब्र करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो ये मुसीबत भी इसके लिए नेमत नेमत बन जाती है। मुसीबत मुसीबत नहीं रहती, ये इसके लिए क्या बन जाती है, नेमत बन जाती। जैसे इंजेक्शन के टीके से आपको तकलीफ तो होती है मगर शिफा मिलती है ना, तो इससे और फायदा होता है। आपने फरमाया ये नेमत सिर्फ मुसलमान को हासिल है, जो लिबरल सेकुलर लोग और जो अल्लाह को नहीं मानने वाले जो मजहब मुखालिफ लोग हैं उनको ये नेमत हासिल नहीं है। उनको जब नेमत मिलती है इतराने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये नेमत छीनी भी जा सकती है, ऐसा इतराते हैं, हर एक को बताएंगे। आपको पता है मेरी भी शादी हो गई, पता है आपको है भाई, शो यानी गरीब जो कमा रहा है उसको सड़ाने के लिए कहते हैं वो, ठीक है। बल्कि लिबरल लोगों को तो इस पर कोई इतराते ही नहीं है, बल्कि वो तो इन चीज़ों से अब बेचारे आज़ाद हो चुके हैं।